Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. I am a mechanical M-Tech student. जामिया दिल्ली से हमको भगाया गया, जबरदस्ती वहाँ से खाली करवाया गया। वहाँ पे आपको पता ही होगा दिल्ली पुलिस की बर्बरता, जिसके वीडियो हमारे पास है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो मैं मन से बोल रहा हूँ, हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, अभी आप मांग सकते हैं। वहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो 30 साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी 30 साल पुरानी है, वहाँ पे जहाँ पे दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस को इजाज़त नहीं बिना परमिशन लेके घुसे, वो वहाँ पे घुसती है। अंदर घुसने के बाद लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारती है, बच्चों में लड़कियां भी होती है, लड़कियों को हॉस्टल में भी घुसती है, बिना दीवार कूद के घुस रही है। कूदते हुए घुसने वाले की हमारे पास फोटो है, अंदर जाके वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी में जो उनको डरा रही है, धमका रही है, उसकी भी हमारे पास फोटो है, उसके भी वीडियोज़ भी हैं। और ये सब अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? ये अगर कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप टारगेट करोगे तो कैसे? यही है आपका अखंड भारत? क्या भारत तो आप हिंदू राष्ट्र तो बना लेंगे, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं होगा, सारे जहाँ से अच्छा नहीं होगा वो। मेरा नाम है मोहम्मद खालिक। बर को हमें मालूम पड़ा कि जामिया के बच्चों पे पुलिस ने लाठी चार्ज करा, उन्हें हॉस्टल में घुस के मारा, लड़कियों के साथ बेहद सेक्सुअल हैरेसमेंट करा, उसकी वीडियो भी हमारे पास, लड़कियों के टॉयलेट में घुसे। इसके विरोध में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पीसफुली तरीके से कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट करा। बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और BJP की प्री प्लानिंग थी कि बच्चे जैसे प्रोटेस्ट करें उनके ऊपर हमला करना है, तो उन्होंने पहले आंसू गैस के गोले दागे, कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक दिए कि कैसे गोले दागे, तो फिर उधर से पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स UP पुलिस पत्थर डालने लगी और आंसू गैस के गोले छोड़ने लगी, अंदर घुस के मारने लगी बच्चों को यूनिवर्सिटी में। और आज हमने पीसफुल तरीके से अजमेर में आराम से इसके NRC कैब और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया में जो बिल्कुल गलत तरीके, उन सब के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करा पीसफुली तरीके से। पुलिस खुद गाड़ियाँ जलाती है, खुद गाड़ियाँ तोड़ती है और कहती है बच्चों ने तोड़ी, हमारे पास उसके प्रूफ है। अगर जिसको भी ये प्रूफ चाहिए हमारे पास आए, और कुछ मीडिया वाले हमें गलत दिखा रहे हैं, हम पहले बता दें, ये छोड़ दे, ये संगी गिरी छोड़ दे, ये संगी BJP भी मुर्दाबाद है। और इन्हें नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद रईस है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ। सिटीजन्स कलेक्ट्रेट में इसलिए जमा हुए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, जो NRC और CAA जो नरेंद्र मोदी BJP गवर्नमेंट ने इशू किया है, ये और कुछ नहीं है, इस बिल का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की राजनीति है हमारा। लेकिन देश इतना समझदार है, इतनी उसमें समझ है कि इस जो ओछी राजनीति जो BJP वाले खेलना चाह रहे हैं उसको समझ सके, इसका कोई मकसद नहीं है। और ये साफ साफ सभी को मालूम है कि ये एक प्रजाति एक धर्म के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि कोई भी सिटीजन इस देश का इसका साथ नहीं देगा। आज हम इसी चीज़ का यहाँ विरोध करने आए हैं, कल भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं, कल फिर करेंगे, लेकिन CAA और NRC को हम लागू नहीं होने देंगे। अगर लेकिन सरकार जिस तरह जामिया में उन्होंने जबरदस्ती करी, उसी तरह की जबरदस्ती अगर वापस करने की कोशिश यहाँ भी करेगी, हमें रोक के जबरदस्ती NRC के ऊपर अगर साइन करवाती है, तो स्याही पूरे शहरवासियों का खून बनेगी, पूरी इंक पूरी स्याही शहरवासियों का खून बनेगी, लेकिन इसको हम लागू नहीं होने देंगे। कल भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं, कल फिर करेंगे। विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण यह है कि ये एक प्रजाति को एक धर्म के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, पहले बाहर के लोगों को नागरिकता देना चाह रहे हैं। इस चीज में कोई तुक नहीं बनता कि आप बाहर के लोगों को बुला के पहले उनके डॉक्यूमेंटेशन कराओ, फिर NRC लागू करके यहाँ के लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर भेजो, इसकी क्या जरूरत है? यहीं के लोगों के डॉक्यूमेंट सही करो, जो यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं उनको सही करो, बाहर से लोगों को बुला के आप उनके डॉक्यूमेंट बनवाओ, उनको नागरिकता दो और यहाँ के लोगों की छीनो, इसका क्या दुख बनता है? कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है BJP और कुछ नहीं है। इनका शुरू से मोटिव यही रहा है, यहाँ देश की हालत खराब है, यहाँ पे लोग बाग धंधे के लिए जूझ रहे हैं, अपने रोटी पानी के लिए जूझ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की 12 बजा रखी है पूरी की पूरी, मंदी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, और उन सबको छोड़ के अपने काम धंधों को छोड़ के हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ये करने की? BJP ने मजबूर किया है, BJP की गलती है। जितने लोग जामिया में मर रहे हैं, दिल्ली में मर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर उतर आए, तो इसका कारण सिर्फ BJP है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर जाके अपनी कॉलेज जाके पढ़ाई करें, अपना घर चलाएं, काम धंधा करें, कमाएं, घर चलाएं, क्यों उतरे हम सड़क पे? क्योंकि ज्यादती हो रही है,
और इसका और कोई जिम्मेदार नहीं, अमित शाह बीजेपी नरेंद्र मोदी है। सरकार ने जो असंवैधानिक रूप से NRC और CAA को लागू किया गया है और जिस तरह जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट का, तब पुलिस ने वहाँ ज़बरदस्ती घुसकर जिस तरह से स्टूडेंट पे लाठीचार्ज किया गया है, वहाँ जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट पढ़ रहे थे जो प्रोटेस्ट में भाग भी नहीं ले रहे थे वहाँ अंदर घुसे हैं, उनके साथ मारपीट की है, उन पर गोलियाँ चलाई गई है। वहाँ जो लड़कियों के हॉस्टल में वहाँ पर भी वो अंदर घुसे हैं, उनके साथ भी मारपीट की है। क्या हम ये सरकार से यही अच्छे दिनों की अपेक्षा करते हैं? यह बहुत ही शर्मनाक घटना है और आज हमने ये सूचना केंद्र से कलेक्टेड प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक मार्च निकाला और हम बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि ये जो स्टूडेंट है ये शिक्षित है, ये नहीं दबने वाला है। अगर आप इनकी आवाज़ को दबाओगे तो ये दुगनी रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। हम यही कहना चाहते हैं रियाज खान।